कोरबा में हरियर धरती टीम की अनोखी पहल, वृक्ष पर रक्षा सूत्र बांधकर वृक्ष बचाने का लिया संकल्प। रेलवे अधिकारी कर्मचारियों की टीम हरियर धरती समय समय पर आसपास के क्षेत्रों में वृक्षारोपण करते हैं। उन्हें बचाने हरियर धरती की टीम ने सभी वृक्षों की पूजा आरती कर रक्षा सूत्र बांधकर वृक्षों को बचाने का संकल्प लिया। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि पेड़ पौधों की रक्षा करने रक्षाबंधन के मौके पर पेड़ों में रक्षा सूत्र बांधा गया है। पेड़ों की रक्षा की जाएगी, किसी भी कीमत पर पेड़ों को काटने नहीं देंगे। पेड़ हमें जीवन देते हैं और हम उनकी देखरेख करेंगे। हरियर धरती ने लगभग 2014 से वृक्षारोपण का कार्य कर रही है, आप लोग हमेशा देखते हैं। और इस बार हम लोग ये मुहिम चलाए हैं कि पौधा कम कटे, लोग बिना जरूरत के ना काटें, है ना। और जिस तरह से ये जो पेड़ हैं हमारी सुरक्षा करती हैं, तो इनको हम सुरक्षा प्रदान करने के लिए आज रक्षा सूत्र बांध करके हम लोग प्रण लिए हैं कि हम लोग इस पेड़ को कटने नहीं देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने का कोशिश करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ आज ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। तो ये जो है हरियर धरती की तरफ से कार्यक्रम किया जा रहा है कि रक्षाबंधन के पर्व पर वृक्ष को राखी पहनाकर उनका सम्मान किया जा रहा है, क्योंकि आज के पर्यावरण में वृक्षों का होना बहुत जरूरी है। वृक्ष हमारे जीवन के लिए अंग है, बहुत ही बिना जीवन मतलब वृक्ष के जीवन संभव नहीं है। अभी जैसे कोरोना में देखा कि ऑक्सीजन की इतनी कमी हो रही थी, अभी जिस तरह से वातावरण चेंज हो रहा है उसमें एक मतलब गवर्नमेंट का एक स्कीम है कि जीरो कार्बन आना है। हम जो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब वाहन से निकालते हैं, अपन खुद निकालते हैं, उसके लिए तो हम रोक नहीं सकते, वाहन को पूरी तरह से रोकना संभव नहीं है। लेकिन उसके उपलक्ष्य में उसके मतलब हमको मतलब उसका फेस करने के लिए हमको बराबर वृक्ष लगाना पड़ेगा। कोरोना काल में ऑक्सीजन का महत्व लोगों ने देखा है, बिना वृक्ष के जीवन संभव नहीं, इसलिए पौधारोपण लोगों को ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। इस मौके पर बड़ी संख्या में संस्था के सदस्य मौजूद रहे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।